हो जाते हैं। आर्मी की यूनिफॉर्म लहराई थी, इसको किस तरह एड्रेस करेंगे? आर्मी की यूनिफॉर्म थी, हिंदुस्तान की आर्मी की तो नहीं थी, पाकिस्तानी फौजी थे, कौन है ये? तोहिन की नहीं, तोहिन पतलून की भी तोहिन होती है, वहाँ लोगों की चमड़ियाँ ढेर दी इन्होंने, और इंसान वहाँ पे जवान बच्चों की इन्होंने डिग्रियां ज़ाया कर दी, लोगों के इम्तिहान ख़त्म हो गए, 22 साल का बच्चा 30 साल का, और फौजी यूनिफॉर्म क्या है? कपड़े का टुकड़ा है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। फौजी यूनिफॉर्म फौज किसकी है? पाकिस्तान की। और वहाँ पे उस वक्त लहराई जब एक बच्चे के सर में गोली लगी। अच्छा, वो भी एक जज्बात होंगे ना उनके उस वक्त, उन्होंने खून का कपड़ा भी लहराया था जो उस बच्चे के ऊपर से उतारा था, मतलब कोई वो, आप लोग उस चीज को हाईलाइट करें। आप वो रिएक्शन था यानी कि उस बच्चे नहीं, अगर किया भी हो सकता है उसे किया, और उसकी वो सजा काट रहे, यूनिफॉर्म की सजा काट रहे हैं, यूनिफॉर्म लहराने की। एक जवान बच्चे पाकिस्तान में रहते हुए हर कोई करता है, आपके जज्बात हैं। हाँ, मुझे तब तकलीफ होती वो किसी को मारता, वो किसी को गोली मारता, किसी को गला काटता, मुझे तकलीफ होती। आज वो सजा काट रहे, अगर यूनिफॉर्म इतनी इज्जत वाली है और इंसान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। एक बच्चा जिसने मोर उठाया था उसे साल भर कैद काटी, 18 साल का बच्चा। आखिरी टाइम आपकी कब मुलाकात हुई? जुमे रात को। ठीक है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा हौसला है? हाँ, बिल्कुल ठीक हौसला है वो, क्योंकि जाहिर है जब इस ऐसे काम वो करते हैं और कोशिश करते हैं, वो जवान आदमी है, हर एक का दिल करता है। हसान जो है वो बड़ा एक्टिविस्ट के तौर पे पीटीआर में सामने आया था, एक्टिविस्ट है, और उसने कोशिश की, और यूनिफॉर्म वहाँ से किसी ने उसको पकड़ाई, पतलून एक सिपाही की पतलून थी, सिपाही भी पाकिस्तान के हैं, फौजी भी हैं, और हमारे पैसों से उनकी वर्दियाँ बनती हैं, उसको लहराना कौन सा जुर्म है? मुझे तकलीफ होती अगर आप कहते कि उसने उस इमरान खान को जो न्याजी साहब जो हैं वो आजकल उस तरह से शायद नजर नहीं आते, क्या आसान से भी उनका रब्ता होता है या नहीं? खासे परेशान थे, अब उनकी कैसी है तबीयत, कैसी है? ठीक है, वो भी जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए होते हैं, हर कोई होते हैं, लेकिन वहाँ इतने बच्चे हैं कि आप किसी की क्या, हर एक बच्चे साहब यही कहते होंगे हसान को अभी भी कि छोड़ दो पीटीआई, मामू के पीछे भागना छोड़ दो। नहीं, क्यों छोड़ दो, हसान की अपनी सोच है, वो बच्चा है, बच्चे जवान बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं। आप अपने बाप की सोच पे तो नहीं काम कर रहे हैं ना, आपकी अपनी सोच है, वैसे ही सब बच्चे अपने। वैसे इस मौजू में कभी आपकी बात हुई कि बेटा आपने किया क्या था? हाँ, कभी 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 बात हुई इस मौजू पर क्या कि ये पतलून की बात की तो हुआ क्या था, एक्चुअल हुआ क्या था, वो क्या कहते हैं? इसलिए कि वो जो इतने लोग बैठे होते हैं वहाँ कोई बात करने दे देते, उन्होंने कहा भाई ना आपने बात उनसे पूछनी है आपका क्या हाल है, ना पीछे की ना आगे की, वहाँ सिर्फ आप अच्छी बातें करें कि चिड़िया उड़ी या बच्चा भागा या ये कब हो रहा, बस ये बातें वो बैठे होते हैं मुझे उसकी। टीवी फुटेज दिखाएं कि पीटीआई का बंदा किधर है, अगर कहते मैं खुद देख लूंगा और अगर मुझे नजर आए, पहले सीसीटीवी फुटेज निकलेगी तो फिर देखेंगे ना, और उसके ऊपर दिखाएं कि कौन से पीटीआई के बंदे ने जाके बिल्डिंगें तोड़ी हैं। कहते माफ़ी तो मेरे से मांगे, जिस तरह उन्होंने मुझे वहाँ से हिरासत में किडनैप किया, अबडक्ट किया, वो इलीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, वो आप कर सकते हैं, उसकी पहले आप माफ़ी मांगें कि एक इतने बड़े पाकिस्तान का एक लीडर था, इज्जतदार बाइज्जत इंसान, उसके साथ आपने क्या किया, चले आप ना माफ़ी मांगे। इमरान खान कहते हैं मैं माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि पहले सीसीटीवी फुटेज सारी निकालें बिल्डिंगों की और दिखाएं कि किस जगह पे पीटीआई के वर्कर्स ने जाके इन बिल्डिंगों को जलाया है। फिर से सुन लें सीसीटीवी फुटेज, जब ये सामने आएगी कहते हैं खुद निशानदेही हम करेंगे, अगर किसी ने गलत किया है मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन इसके अंदर जो रुकावट है सबके लिए वो कौन सी चीज़ है? सीसीटीवी फुटेज। उन्होंने कहा उनको कहो नवाज़ी को जो 12 साल पुराना इलीगल गाड़ियाँ जो उन्होंने ली थी तोशेखाने से, वो इलीगल है, गाड़ियाँ आप ले नहीं सकते। 12 साल से कोई सुन ही नहीं रहा, और इस वक्त इनको एक एक तोहफा ला ला के सुना रहे हैं। पाकिस्तान में जितने लोगों ने तोहफे लिए पहले, हाँ मैंने कहा था, उन्होंने कहा था अगर उनको ये कहा था अगर आयो ना आया और केस ना शुरू किया, जज साहब ने केस शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, अब आयो आ गया था। बता दीजिए क्या समझती हैं कि क्या कौम निकलेगी, उस तरह के हालात पैदा होंगे जैसे बांग्लादेश में लोगों ने जो है वो अवामी इंकलाब लेकर आए हैं, और श्रीलंका के भी जो है वो हालात हमने देखे। इमरान खान ने ये भी कहा था कल कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पीटीआई के ऊपर लोगों पर जो जुल्म हुआ है,
और जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं लोग, जो इन हालात की वजह से कहते हैं, वो बांग्लादेश में इतना बड़ा हाल ही है जो यहाँ पे हुआ है, तो इन हालात में फिर आप खुद ही सोच लें कि इमरान खान से क्या जाके पूछना है। आपको खुद अपने हालात खुद ही नज़र आ रहे हैं, आवाम से ये सवाल आप लोगों से जाके करें कि उनका क्या ख्याल है। यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई में, तो इसलिए आप लोगों से जाकर पूछे, ये सवाल तो लोगों से बनता है। मैडम, मीडिया जिस तरह पोर्ट्रेट किया आप इतनी नौ में की बातें कर रहे थे, आपको पता था डॉक्टर यास्मीन राशिद ऐलान कर रही थी कि कोई अंदर ना जाए, लेकिन आपने कभी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। आप रोज दिखाया करें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद रोक रही थी लोगों को और अंदर जाने से, और मेरी दूसरी जो बहन थी, हमने लोगों को रोका और कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा था। हम वहाँ आंखों देखा बता रहे हैं, वहाँ पे लोग फौजी ट्रक में से उतरे, सफ़ेद कपड़ों में लोग थे जो अंदर घुसे। जब वहाँ पे गोलियाँ चली, हमारे सरों के ऊपर से गोलियाँ गई, पीछे से गोलियाँ चली और बेशुमार चली, हमारे सामने वहाँ हमारे सामने सर पे उसके गोली मारी गई, लेकिन कोई किसी ने उसको ना, आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं, ना कोई बताता है, ना कोई कहता है कि यास्मीन राशिद किस चीज़ की कुर्बानी दे रही है जेल में। उसने तो लोगों को रोक रही थी कि अंदर कोई ना जाए, तोड़फोड़ सब मना कर रहे थे, और पीटीआई तो कभी करती भी नहीं तोड़फोड़। हम सारे वहाँ पे थे, हमारे बच्चे थे, मेरी नवासी थी, मतलब हमारे छोटे बच्चे थे, हम तो डर के तो नहीं, हमने गोलियाँ चलाने तो नहीं गए थे। इन्होंने सब कुछ जो किया, हर एक को पता किया, आपको भी पता है, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ऐसे सवाल करते जैसे असल में कोई बड़ा जुर्म किया, किसी ने भी नहीं किया, कोई पीटी। आप भी सारे हिम्मत करें और सच बोलना शुरू करें। आप रोज बताएं, एक 75 साल की औरत जेल काट रही है जबकि उसने इस चीज पे रोका था और वो जेल काट रही है, आप लोग इसको हाईलाइट ही नहीं करते। अगर सीसीटीवी फुटेज में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तानी तलबा और आईएसएफ उसको लीड कर रही है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी तलबा बाहर निकलना शुरू हो चुका है? देखें, आप लोगों की भी बड़ी मजबूरियाँ होंगी, महंगाई के दिन है, लेकिन जब कई सवाल आप बच्चे पूछते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सक रहे, आपकी कितनी मजबूरी होगी। अगर हमारी अवाम ही ऐसी साथ अपने लिए नहीं दे सकती, तो इमरान खान के लिए तो हम खड़े हैं, आप लोग अपने लिए खड़े हो जाएं। हम अपने लिए मैडम, ये बताइए, मोबाइल के ऊपर पाबंदी और मुख्तलिफ, हाँ तो फिर आप अपने लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान कहते हैं जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हो, अगर आप खड़े होंगे, आप खड़े होंगे तो फिर जिस किस्म के कई दफ़ा बच्चे सवाल कर रहे हो, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। अलीमा साहब, ये बताइए, मीडिया का खास पोर्शन है, पोर्ट्रे कर रहा है, आज का अखबार, आपकी न्यूज़ बनती है, आज के अखबार में भी पोर्ट्रे किया गया, आप नौकरी के लिए खड़े हैं, इमरान खान गैर मशरूत, मतलब